हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ योजना के बारे में। तो देखिए, कभी भी आप पाठ योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में आता है आपका इंट्रोडक्शन पाठ, जिसमें कि आप लिखते हैं छात्र अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा जिसे आप पढ़ाएंगे, विषय यानी कि सब्जेक्ट जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उप विषय यानी कि टॉपिक जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, दिनांक और फिर अवधि। राइट, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मेरे जितने भी लेसन प्लान्स हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाइए, जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी उन सभी लेसन प्लान्स के जो आज तक मैंने अपलोड किए हैं। प्लस आप वहाँ से उन लेसन प्लान्स की हेल्प ले सकते हैं अपनी पाठ योजना या अपना लेसन प्लान बनाने में। राइट, तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे सहायक सामग्री के बारे में। तो सहायक सामग्री क्या होती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसकी हेल्प लेंगे आप बच्चों को पढ़ाने में, इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग एड्स। इसमें आ जाएगा चौक, झाड़न, श्यामपट, संकेतक आदि। झाड़न क्या होता है, डस्टर। श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड, संकेतक मतलब पॉइंटर। फिर आता है सामान्य उद्देश्य, मतलब हम बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, लिंग और उसके भेद। तो इसको पढ़ाने का बच्चों से उद्देश्य क्या है कि बच्चों को क्या समझ आए। देखिए, एक होता है सामान्य उद्देश्य, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य माने जनरल सा क्या एम है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं, छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराना, छात्रों के लेखन कौशल में वृद्धि करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। विशिष्ट उद्देश्य, यहाँ भी 3 पॉइंट्स हैं, छात्रों को लिंग के बारे में जानकारी देना, छात्रों को व्याकरण में लिंग की उपयोगिता समझाना और छात्र लिंग को परिभाषित कर सकेंगे। जैसे होता है ना वो पुलिंग, स्त्रीलिंग, लिंग और उसके भेद, तो ये चीज़ें बच्चे यहाँ पे समझेंगे। अब कुछ भी पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। बच्चों को कितना आता है, कितना नहीं आता है, अब हमें वो चेक करना है। तो देखिए, यहाँ पे आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक साइड लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया, दूसरी साइड लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया। तो छात्र अध्यापिका क्रिया में क्या आएगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पर आएगा जो बच्चे आंसर्स देंगे। तो हम पूछेंगे बच्चों लड़के का विपरीत क्या होता है, बच्चे बताएंगे लड़की। फिर हम पूछेंगे बालक का विपरीत क्या होता है, वो बताएंगे बालिका। फिर हम पूछेंगे लिंग किसे कहते हैं, ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि लिंग किसे कहते हैं। राइट, तो जब आपकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हो जाएगी, मतलब जब आपका पूर्व ज्ञान परीक्षण हो जाएगा, उस टाइम पे आप करेंगे उप विषय की घोषणा, यानी कि आज हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं वो बताएंगे। सो हम कहेंगे बच्चों आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। अब होगा प्रस्तुतिकरण, यहाँ से हमारा जो मेन चीज़ है, मेन कंटेंट है, वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें आएगा मुख्य बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट कार्य। ठीक है, मुख्य बिंदु में आप लिखेंगे लिंग की परिभाषा और यहाँ पर आएगा जो टीचर है वो बताएगा या बताएगी कि क्या होता है। तो जिन शब्दों से यह ज्ञात हो कि व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग का ज्ञान होना कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे लिंग, उसके बाद लिखेंगे लिंग की परिभाषा। अब हम देंगे बच्चों को उदाहरण, क्योंकि बच्चों को एग्जाम्पल से ही समझ आता है ना, तो उदाहरण तो देने ही है। हम लिखेंगे बालक, बालिका, दादा, दादी, गाय, बैल, ये ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे, छात्र कॉपी पर सबको नोट करेंगे। फिर आता है लिंग के प्रकार, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हम वो भी बच्चों को बताएंगे कि लिंग के 2 भेद होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे लिंग के भेद, पुलिंग स्त्रीलिंग भी आप लिख सकते हैं। फिर आता है पुलिंग की परिभाषा, कि पुलिंग क्या होता है, जिस शब्द के द्वारा किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे पुलिंग कहते हैं, जैसे लड़का। उसके बाद हम बच्चों को पढ़ाएंगे स्त्रीलिंग की परिभाषा, यानी कि जिस भाषा के द्वारा किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि शेरनी। राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पे आता है पुनरावृत्ति यानी कि रिकैप्चुलेशन, हम एक तरह से रिवाइज करवाएंगे बच्चों को जो हमने पढ़ा। तो हम कहेंगे बच्चों आज हमने लिंग की परिभाषा, उदाहरण और उसके भेदों के बारे में पढ़ा, जैसे कि बालक, बालिका, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, इस प्रकार हमने लिंग के उदाहरण भी पढ़े। ठीक है, अब इसके बाद हम देंगे बच्चों को गृह कार्य यानी कि होमवर्क। तो ये तो कंपलसरी है होमवर्क देना, प्लस एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो हमें देने ही हैं बच्चों को। पहला क्वेश्चन होगा लिंग की परिभाषा लिखें, लिंग क्या होता है परिभाषा लिखो। दूसरा है लिंग के कितने भेद होते हैं, बच्चे घर से करके आएंगे। तीसरा है बालक का लिंग बदलो, तो बच्चे करके आएंगे। देखिए, ये हो गया हमारा लेसन प्लान कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसी तरह के और लेसन प्लान्स के वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं
आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, एच पी जीके की वीडियोज़ जो हैं वो भी मैं अपलोड करती हूँ, प्लस जनरल स्टडीज़ यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सबसे रिलेटेड कंटेंट भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, ये आपका जॉनर है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।